जिस कानून के विरोध में भड़के दंगों में गई थी 50 से ज्यादा जाने, करोड़ों की संपत्ति हुई थी बर्बाद। रात दिन विरोधियों ने लगाए थे मोदी मुर्दाबाद के नारे, एक बार फिर से लागू होने जा रहा है वही कानून। चुनाव से पहले एक बार फिर CAA को लेकर छिड़ी जंग, क्या फिर से शाहीन बाग में मचेगा बवाल? देश की मुस्लिम आबादी करेगी विरोध या इस बार शांति से लागू हो जाएगा कानून? गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू हो जाएगा CAA, नहीं छीनी जाएगी किसी की नागरिकता, मुस्लिम समुदाय को उकसाने का हो रहा है प्रयास। चुनाव से पहले CAA के लागू करने के पीछे क्या है वजह, किसे होगा फायदा, किसे होगा नुकसान, रिपोर्ट में बताएंगे CAA की पूरी कहानी। बता दें कि भारतीय नागरिकता कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी, हालांकि ये अब तक लागू नहीं हो पाया है। CAA को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ है। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, वहां तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस कानून के खिलाफ विपक्ष का भी कड़ा रुख देखने को मिला था। इस महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि CAA के नियम केंद्र के पास तैयार हैं और लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित यानी कि नोटिफाई कर दिया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो ये पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया, फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी लेकिन उस समय कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर CAA को लेकर के क्यों विरोध हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं, वही बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग वजह है, वे मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बट जाएंगे। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग CAA के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। इन 7 राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खानपान और कल्चर काफी हद तक मिलता है लेकिन कुछ दशकों से यहां दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगे हैं, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली यहां आने लगे हैं, जिसकी वजह से इनका मानना है कि इनका कल्चर बिगड़ रहा है। वेल, आप क्या CAA के लागू होने के पक्ष में हैं या फिर इसके विरोध में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।